श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल करी। मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 141 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगा सकी। इंग्लैंड की टीम ने टारगेट को 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर चेस किया और 4 विकेट से श्रीलंका को मात देने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। आपको ये बता दें कि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के बाद क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है और टीम अब सेमीफाइनल मुकाबले खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सभी के बीच जिसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो रही T20 वर्ल्ड कप 2022 की डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। आपको ये बता दें कि इंग्लैंड की जीत के बाद डिफेंडिंग चैंपियन और साथ ही वर्ल्ड कप की होस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। वर्ल्ड कप की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया टीम उतरी थी और अब इंग्लैंड की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के समान अंक हैं, यानी कि तीनों टीमों के 7-7 अंक हैं, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का नेट रन रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट नेगेटिव में है। ऐसे में इंग्लैंड की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड कप को लेकर जो रिकॉर्ड बना रहा था वो बरकरार है। क्या रिकॉर्ड है उसकी ओर नज़र डालें तो आज तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी डिफेंडिंग चैंपियन या फिर होस्ट वर्ल्ड कप का चैंपियन नहीं बन पाया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन भी थी और साथ ही होस्ट भी थी, तो ऐसे में उसका T20 वर्ल्ड कप 2022 का जीत पाना पहले से ही मुश्किल माना जा रहा था। इन आंकड़ों को देखते हुए क्रिकेट पंडितों ने पहले से ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगी और आखिरकार वही हुआ। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार मुकाबले जीती लेकिन शुरुआती हार के चलते और न्यूजीलैंड से मिली करारी शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को अब वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ रहा है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहें इंडिया। नमस्कार।